जो तो एक कमरे में बैठ बे सब सुख सुविधा लिबे, बिग बॉस का विनर बनी या गोमा आबे देखो एक दिन, तब पता चल की हूँ असली बिग बॉस। कैली का घा चोरी हलो, कैली का पार्ट गोठैली, कोई पार्ट धार में जबे दुहरा चलना गए करना। कैली काका ककार चोरहली, कैली दुहरा पानी पै फटाबे अपन लगे हलो, कोई शराब पीबे अपन नैनतीन और अपन सैन को छचना। कदी ने यहाँ आओ तब पता चलल की हूँ असली बिग बॉस, तो मैं ऑमलेट खाऊंगा, बर्तन नहीं धोऊंगा, तो के बिग बॉस न हूं यहाँ। इन दिनों सोशल मीडिया में ये लड़की का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस लड़की को आज हर कोई जानता है। इसका नाम है ज्योति भट्ट। ज्योति अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। ज्योति कुमाऊनी भाषा पर काम कर रही हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं। ज्योति के द्वारा बनाए गए वीडियो को वो यूट्यूब, फेसबुक के अलावा तमाम सोशल प्लेटफॉर्म में डालती हैं। अपनी कुमाऊनी बोली से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। ज्योति सोशल मीडिया में अपनी कुमाऊनी बोली का वीडियो डाल रही हैं और उनकी वीडियो को लोग हंसते हंसते सुनते हैं। उन्होंने बताया कोरोना के समय से वो ये वीडियो बना रही हैं। अब उनके वीडियो लोग इतने देखते हैं कि अब लोग स्टेटस और उनको फॉरवर्ड करते हैं। ज्योति लगातार वीडियो बना रही हैं। उनके वीडियो अलग अलग तरह के किरदार के होते हैं। इसमें कुमाऊनी आमा, कुमाऊनी बूबू के अलावा लोगों की जन समस्या से जुड़े भी उनके वीडियो रहते हैं, जिनको लोग देखकर काफ़ी खुश होते हैं। इसके अलावा लोग अब इन वीडियो को अपने घर वालों के साथ भी साझा कर रहे हैं। ज्योति ने बताया कुमाऊनी भाषा पर उनकी मदद उनकी माँ विमला भट्ट करती हैं। इसके अलावा ज्योति कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार में लगातार लगी रहती हैं और वह बताती हैं ये कुमाऊनी भाषा वो लोगों के साथ बढ़ाना चाहती हैं और लोगों को सिखाना चाहती हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अपनी मातृभाषा के प्रति बच्चों को और लोगों को जागरूक करूं ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो अपने जड़ों से ना कटे, और इसे बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपनी मातृभाषा को सहेजें, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलती है। एक भाषा का ख़त्म होना बहुत सारी चीज़ों को उसके साथ ख़त्म कर देता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को बचाने के लिए हमें भाषा और बोली को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया और इसके लिए मुझे अपने आसपास के चीज़ों से, अपनी फैमिली से ही प्रेरणा मिली। बचपन से ही मैं अपनी दादी के साथ रहती थी, तो वो हमें पहाड़ी कुमाऊनी में लोक कथाएँ और मुहावरे ये सब सिखाया करती थी, तो वो चीज़ बचपन से हमारे साथ चलती है। साथ ही साथ मैं देखती थी कि जैसे पवन पहाड़ी के एक यूट्यूबर हैं, उनसे भी मैंने प्रेरणा ली। और जो मेरा काम है इसमें मेरी फैमिली वाले, मेरी मम्मी और मेरी बहन, मेरे पापा, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग में मदद करती है, मेरी बहन वीडियो बनाने में जो भी टेक्निकलिटीज़ आती हैं उनमें हेल्प करती है, कॉस्ट्यूम वगैरह में हेल्प करती है, तो सब लोग अपने अपने लेवल से मुझे हेल्प करते हैं। युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी भाषा सीखिए, बोलिए, लेकिन अपनी मातृभाषा से मत कटिए, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी चीज़ है जो हमें अलग बनाती है और इसमें जो भाव है वो हम किसी अन्य भाषा में महसूस नहीं कर सकते। ज्योति लगातार कुमाऊनी भाषा के वीडियो बना रही हैं और इनके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। ज्योति ने बताया वो लोगों को कुमाऊनी भाषा के लिए प्रेरित करना चाहती हैं और लोगों को सिखाना चाहती हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।